गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस सॉल्ट्स। एज ऑल ऑफ यू नो द सिलेबस वी ऑलरेडी पोस्टेड इन द ग्रुप, राइट? यू कैन सी द सिलेबस ओवर देयर, बट सॉल्ट्स इज देयर, मतलब द फर्स्ट चैप्टर इज देयर, सेकंड चैप्टर इज फुल देयर, इन थर्ड चैप्टर डिडक्शन इज देयर, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर टोटली इज देयर, ठीक है? सो लेट्स डिस्कस टुडे सॉल्ट्स। अब ये सॉल्ट्स, एज ऑल ऑफ यू नो द वी बट वी विल डिस्कस इन दिस सॉल्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देयर यूजेस, राइट? बट एक्चुअली वी हैव टू लर्न, बी केयरफुल व्हाट आई एम टेलिंग, कि डायरेक्ट क्वेश्चन माइट बी कम, मे बी और मे नॉट बी। दे कैन आस्क यू राइट द प्रिपरेशन ऑफ बाय गिविंग द एग्जाम्पल, लाइक दे कैन आस्क यू कि द राइट द प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्ट दैट इज यूज टू प्रिपेयर द पेपर। That you have to keep in your mind. That means some of the uses, whatever is given in NCERT, that we have to learn. Not all, as in the S Chand or the whatever the books. Okay, we will not learn that. We will learn the uses that is given in NCERT book, because the question will come in this way also. They can ask you write down the preparation of the salt that is used in the glass, soap, and paper industry. Then we have to keep this thing in our mind कि तीनों चीजें हैं, but we have to write down किसकी preparation लिखनी है, ठीक है? इनमें से दो की preparations आपको tough लगेंगी, five salts we have to discuss. Sodium chloride they had not mentioned in the syllabus this posted like, ठीक है? But we will do the preparation of the sodium chloride also, because that is the raw material of the three other salts. Again question can come like this, write the preparation of या write the names of the salts whose raw material is sodium chloride. Getting my point? ये जितने भी salts हैं, इनके questions घुमा के आए, ठीक है? We will discuss like कि write the preparation of salt that is used by the doctors for the plastering, for the fracturing, like used to fracture the bones, ठीक है? To protect it. These kind of the questions will come. Direct भी they can ask, or they can ask by giving one example. Getting my point? Right? Salt is not like that कि अगर हम घर में नमक ले रहे हैं तो that is only the salt, that is not the salt, और मतलब that is salt but that is not only salt. Yes, Dhruv, unmute yourself. मैम आपकी वीडियो ब्लर आ रही है. Sorry. मैम आपकी वीडियो ब्लर आ रही है. वीडियो ब्लर आ रही है. Rejoin कर लो. एक बार rejoin करके देखो. ठीक है. हाँ जी अमृत. Unmute yourself. आपकी आ रही है, हमारी नहीं आ रही. एक बार जिनका नहीं हो रही ना प्रॉब्लम प्लीज रीजॉइन, ठीक है? यस शिवांश, अनम्यूट योरसेल्फ. हम यही कहना था, वीडियो क्लियर नहीं है. लेट्स देखती हूँ. चलो ठीक है. तो बट आई एम सेइंग कि सॉल्ट इज नॉट दैट वी आर यूजिंग इट एट होम. जो हम नमक खा रहे हैं दैट इज नॉट ओनली सॉल्ट, ठीक है? सॉल्ट होता क्या है, ठीक है? सॉल्ट जो बनता है दैट इज एज यू हैड डिस्कस्ड कि व्हेन एसिड्स एंड द बेसिस रिएक्ट दे विल फॉर्म अ सॉल्ट एंड द वाटर NaCl+H2O, राइट? तो सॉल्ट्स जो हैं दीज आर फॉर्म्ड बाय रिमूविंग द हाइड्रोजन आयन फ्रॉम देयर एसिड्स, ठीक है? और उसकी जगह पे किसी मेटल का लग जाना. जैसे अगर मैं बात करूँ क्लोराइड, ठीक है? तो जब हम क्लोराइड की बात करते हैं दैट इज कॉल्ड द क्लोराइड सॉल्ट. HCl से जितने सॉल्ट बनेंगे that we will say the chlorides, ठीक है? अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रही हूँ तो that are called the sulfate salts. Carbonates की कार्बोनिक एसिड carbonates, ठीक है? Acetic acid acetates. Means whatever we are taking हम उनके salts बोल देते हैं, उनकी families बोल देते हैं कि these belong to this same family, ठीक है जी? Clear? जैसे अगर मैं बात करूँ कि sodium chloride potassium chloride, अब दोनों में Na पॉजिटिव है और एक में K पॉजिटिव है, दोनों की सिंगल वैलेंसी है, प्लस वन वैलेंसी है, लेकिन दोनों एक ही फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं. क्यों? बिकॉज दे बिलोंग टू द क्लोराइड फैमिली. गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है? इफ आई एम सेइंग सोडियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट दैट मीन्स दे बिलोंग टू द सोडियम फैमिली बिकॉज दे आर हैविंग द प्लस वन वैलेंसी. दैट इज टोटली डिपेंड, ठीक है? नाउ वी विल स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्ट. सबसे पहले हमारे पास सॉल्ट है NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड,
that is sodium chloride. Write down its preparation. इसी एसिड बेस सॉल्ट में बेटे, दिस इज द एसिड बेस सॉल्ट, द सॉल्ट प्रिपरेशन का. एसिड्स वी डिस्कस, बेसिस वी डिस्कस, नाउ द सॉल्ट. NaOH base react with the acid, it will form NaCl plus H2O. This is sodium chloride. Salt. Getting my point? This is a simple preparation. Simple one is there, that is the sodium chloride. ठीक है, इट्स नॉट इन डिटेल, अदरवाइज इन योर बुक इट इज गिवन कि इट इज ऑब्टेन्ड बाय द सी वाटर. वो आपको पता है कि लेगून्स में हम उनको स्टोर करते हैं पानी को, देन वी विल गेट द सेपरेट आउट, ड्राई करते हैं एंड वी विल गेट द सॉल्ट. ठीक है, हाउ वी विल गेट इट फ्रॉम द सॉल्ट आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अंडरग्राउंड ऑल्सो. ठीक है, डिपॉजिट्स होते हैं बहुत ज्यादा मिट्टी के नीचे होते हैं चीजें या सॉल्ट हैं, सो सी वाटर है वहां से वी विल सेपरेट इट. ठीक है, राइट डाउन इट्स यूजेस. यूजेस इसके सिंपल है, that all of you know. कौन से uses है? It is used in the kitchen as a raw material for cooking vegetables. That is a simple one. ठीक है, और any other use? और कोई use आपके mind में? बहुत सारे हैं. It is used to preserve pickles. Salting करते हैं हम उनमें. In eighth chapter, in eighth class we read about it. सॉल्टिंग करते हैं पिकल्स में. ठीक है, फिश को सॉल्ट लगा के रखते हैं, राइट, फॉर मीट को लगाते हैं, वही कह रही, फिश मीट को सॉल्ट लगाते हैं टू प्रिजर्व इट, और टू रिमूविंग द स्नो, टू रिमूविंग द स्नो फ्रॉम द हिली एरियाज, वहां पे नमक डाला जाता है इफ वी वॉन्ट टू रिमूव द स्नो फ्रॉम देयर. ठीक है, आइस को मेल्ट करने के लिए यूज किया जाता है, वहां पे हो गया. और एनी अदर क्या क्या हो गए? इट इज यूज इन द किचन एज अ रॉ मटेरियल, इट इज यूज इन एज अ प्रिजर्वेटिव टू प्रिजर्व पिकल्स, इट इज यूज टू रिमूव द स्नो फ्रॉम द हिली एरियाज या फ्रॉम द कोल्ड कंट्रीज. ठीक है, और एनी अदर और कोई आपके दिमाग में? इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, it is used in the manufacture of soap. isme do likh lo, used, jo main yaad rakhne hai, used in preparation of soap pehla, second likho used as the raw material for, it is used as the raw material for making large number of compounds. ठीक है, जो अभी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, ठीक है, ओके. सेकंड सॉल्ट, उसको पहले ही स्टार लगा लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, इसका दूसरा नेम है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा. सेकंड नेम इज कास्टिक सोडा. ठीक है, अब ये प्रिपेयर कैसे होता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कंसंट्रेशन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड इज द रॉ मटेरियल फॉर दिस, राइट. It is prepared from the aqueous solution. Write down the aqueous. In presence of
like water, and this is called, yeah, you can write, यहाँ पे एक term लिख लो, brine. This is called brine, aqueous solution of sodium chloride. Aqueous solution of sodium chloride is called brine. ये भी one mark में question पूछते हैं, but is brine, right? Aqueous, concentrated aqueous solution of sodium chloride is called brine. पानी के बीच में जब हम mix कर देते हैं, that is called brine, right? अब how it is prepared? Sodium chloride hydroxide by passing electric current. यानी कि by electrolysis, it will give NaCl H2Cl2. It gives NaCl plus H2 plus Cl2. Is it clear? Sodium hydroxide by electrolysis, it will give sodium hydroxide, chlorine and alkali, hydrogen. अब यहाँ पे देखो, this is what chlorine, this is what, oh sorry, this is what sodium hydroxide is a, sodium hydroxide is a hydroxide base. Base is also called alkalis. Base are also called, this is alkali, this is chlorine. This process name is chloralkali process. This process name is called chloralkali process. क्यों इसको chloralkali process कहते हैं? Because chlorine and alkali is formed due to the chlorine and alkali. This process is called chloralkali process. So question can come in the form of explain chloralkali process. हो गया एक question, यहां से एक और question बन गया कि explain chloralkali process. Why this process is called chloralkali process? Because the products chlorine and alkali is formed. और chloralkali process आ जाएगा, then you have to explain this. Is it clear? तीन questions बोले मैंने इसमें. Brine, what is brine? Concentrated aqueous solution of sodium chloride. Sodium chloride का पहला जो raw material है वो क्या बना रहा है? Caustic soda. ठीक है? Concentrated aqueous solution of sodium hydroxide is called brine. ठीक है? When electric current will be passed, hydrogen being a positive, where it will go? Electric current में हम current pass करेंगे ना, हम ऐसे बोलेंगे ना, electric current में rods लगाएंगे, positive and negative. Hydrogen will move towards the negative rod and the chlorine will move towards the positive anode. Right? We will collect it, और जो हमारे पास sodium hydroxide है, वो नीचे cathode के पास collect हो जाता है. Is it clear? Process clear है? I am again telling कि ये important process है, क्योंकि इसमें दो तीन questions बन रहे हैं. Chloralkali process, right? Why it is called? Because of the formation of chlorine as well as alkali. That's why this process is called chloralkali process. Explain brine. अब इनके तीनों के uses. Write down the uses तीनों के. लिखिए, पहले लिखो uses of sodium hydroxide. सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इसकी प्रिपरेशन हो गई. अब यूजेस, ठीक है, इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट यूज लिखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का. इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ, लिख लो आप ये वाले को, अंडरलाइन कर लो, इफ इट इज रिटन देन अंडरलाइन. इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट. यहां पे मैंने ग्लास वर्ड नहीं बोला, राइट? ठीक है, मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ. इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट. इसको स्टार लगा लो या अंडरलाइन कर लो, बिकॉज दिस विल फ्रेम द क्वेश्चन. सोप्स एंड डिटर्जेंट, इफ इट इज रिटन देन अंडरलाइन. बच्चे, इफ इट इज रिटन देन अंडरलाइन, इफ इट इज नॉट देन राइट डाउन. दिस इज द मेन यूज. सेकेंड लिखे, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पेपर.
soaps and detergents, सेकेंड लिखो पेपर. ये तीनों तो इसके मेन हो गए हमारे पास जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है. इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट. इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन या मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर. थर्ड लिखो इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर टेक्सटाइल फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर्स. इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर्स. ओके याद रहेंगे. अब ये ऐसे राइट डाउन द प्रिपरेशन दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर द यूज्ड इन द सोप्स एंड डिटर्जेंट फैक्ट्री. आपने पूरी ये लिख ली. हाँ ना डिपेंड अपॉन क्वेश्चन क्या पूछ रहे. अगर वो क्वेश्चन यही कह रहे कि इसकी प्रिपरेशन लिखो तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए दे आर टॉकिंग अबाउट द कास्टिक सोडा तो आपने वो लिख देना. अगर वो कह रहे हैं एक्सप्लेन क्लोर एल्कली प्रोसेस तब भी ये इक्वेशन गेटिंग. ठीक है. सेकंड लिखो यूजेस ऑफ क्लोरीन. यूजेस ऑफ क्लोरीन. क्या यूज होगा इसका मेन. दैट इज द मेन यूज टू रिमूव या फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर सप्लाई. इट इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर सप्लाई. ये पानी की जो डिसइंफेक्शन है यानी कि जर्म्स है उनको किल करता है. दिस इज द मेन यूज डिसइंफेक्टिंग वाटर सप्लाई. और एक इसका यूज लिख लो मेन. इट इज यूज टू प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर. यूज टू प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर. इट इज यूज फॉर द ड्राई क्लीनिंग. आती है ना क्लोरीन की वो यूज करते हैं. इट इज यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग पर्पज. इट इज यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग पर्पज. इट इज यूज फॉर मेकिंग क्लोरोफॉर्म. इट इज यूज टू मेक क्लोरोफॉर्म. आगे लिखो यूजेस ऑफ हाइड्रोजन. यूज्ड इज द हाइड्रोजनेशन. ये एक पूरा टॉपिक था बट ये अब सिलेबस रिड्यूस होने से ये डिडक्ट हो गया. तो हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल का मतलब क्या होता है. आप लोग अपने घरों में दो चीजें यूज करते हो एक ऑयल और एक घी है ना. वन इज इन द सॉलिड फॉर्म वन इज इन द लिक्विड फॉर्म. तो हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में हाइड्रोजन की बॉन्डिंग से घी और ऑयल बनते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन. ठीक है. एड ऑन करके रिमूव करके लाइक हाइड्रोजन की बॉन्डिंग के हिसाब से ऑयल और घी बनता है दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोजनेशन. क्योंकि टॉपिक नहीं है तो आई एम जस्ट टेलिंग इट टू यू द मीनिंग ऑफ हाइड्रोजनेशन दैट इज used in the preparation of the like ghee or jo oil hote hai that is depend upon the bonding of hydrogen. theek hai bachche hydrogenation of oil. second likho it is used for a rocket fuel. it is used for rocket fuel. it is used for rocket fuel. It is used to make fertilizers. Used to make fertilizers. क्योंकि H है ना नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करेगा तो अमोनिया बना देगा तो यूज टू प्रिपेयर द फर्टिलाइजर्स. ठीक है. Cl के साथ रिएक्ट करेगा तो HCl बना देगा. सो इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑल्सो. इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द फर्टिलाइजर्स. इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. एल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये मिथेनॉल बना देते हैं बट इतने बहुत है. ओके है. कोई डाउट. डाउट कौन कौन से करे. हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या क्या करे. यूज इन पेपर सोप डिटर्जेंट. मेन तो ये तीन करे हमने. इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप पेपर एंड डिटर्जेंट.
ठीक है, यूज्ड अलग अदर्स करे, देन हमारे पास क्लोरीन, क्लोरीन का सबसे मेन क्या याद करना है, डिसइंफेक्टिंग, वाटर सप्लाई एंड ब्लीचिंग पाउडर. ठीक है, हम ब्लीचिंग पाउडर भी प्रिपेयर करेंगे. इट इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर सप्लाई एंड ब्लीचिंग पाउडर. बट इज द यूज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल एंड एज अ रॉकेट फ्यूल. ओके, दिस वॉज द प्रिपरेशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड. Let's discuss these things. मैं उसके बाद जितने extra questions आ सकते हैं या exams में I will discuss each and every question. Third one लिखो, washing soda. Third one लिखो, washing soda. इसी की preparation बस थोड़ी सी मुश्किल है. ठीक है, इसका formula होता है Na2CO3.10 molecules of water. तो इसका नाम क्या हुआ, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इट्स नेम इज सोडियम कार्बोनेट, 10 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेका, पानी के हैं तो डेकाहाइड्रेट. इसका रॉ मटेरियल भी NaCl. ओके, लिखो इसकी प्रिपरेशन, लिखो NaCl प्लस NH3 प्लस CO2 प्लस H2O. NaCl, NH3, CO2, H2O. ठीक है, अब मैंने बनाना क्या है, Na2CO3. ठीक है, इसमें सबसे पहले बनता है मेरे पास, इसको मैं आपको बताऊं, ये देखो मैं ना H2O पहले लिखती हूँ, सो दैट ये अलग कर लो. क्या बना, NH, एक हाइड्रोजन यहां से लिया, पहले इधर देख लो, NH3, एक H यहां से लिया, NH4Cl, ये मेरे पास बना NH4Cl, एक बन गया, बाकी क्या रह गया, ये देखो Na, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहां से HCO, दो ये और एक ये मेरा बना प्रोडक्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा. ठीक है, ठीक है, यही एक रिएक्शन है, इट इज अ थ्री स्टेप्स रिएक्शन, तीन स्टेप है क्योंकि मुझे बनाना सोडियम कार्बोनेट है. ये रिएक्शन लर्न हो गई. This was the same, this will be the same reaction in the preparation of the next salt, that is the baking soda. Getting my point? Pehli hi. Okay. Ab, mere paas ye bana, sodium hydrogen carbonate plus ammonium then you will do 2-3 times na to reaction yaad ho jayegi, then NaHCO3 isko maine kara heat. theek hai ji, ab yahan pe dono please online also please listen, maine shayad ek bar pehle bhi bataya tha, whenever there is hydrogen carbon oxygen is present on the reactant side, what will be the product, carbon dioxide and water. Hum nahi count karne jayenge how many hydrogen are there, how many oxygen, that will after the balancing it will be okay, but whenever hydrogen carbon oxygen present hai to product mein kya banega, carbon dioxide plus water, ye do product ban gaye aapke. theek hai, अब इसमें बन जाता है एक Na2CO3, दैट इज कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट और सोडा एश, और सोडा एश कहां यूज करते हैं हम, सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट कहां यूज करते हैं, फॉर प्रिपरेशन ऑफ द केक्स, पेस्ट्रीज, हर चीज में यूज करते हैं. क्यों करते हैं, बिकॉज
कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजिंग विच मेक्स अ केक फ्लफी, ठीक है, विच हेल्प्स इन द एक्सटिंक्शन फायर बिकॉज व्हाट इट विल रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड. व्हाई इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द केक्स पेस्ट्रीज एंड ऑल दैट, बिकॉज इट व्हेन इट इज हीटेड इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड विच मेक्स द केक्स एंड द बिस्किट्स फ्लफी. क्वेश्चन ये भी आता है पेपर में, ठीक है, घबराओ नहीं, आई विल हेल्प यू टू लर्न ऑल दिस. ये नहीं डालते हम, ये डालते, ठीक है, ये बनता है. लेकिन अगर ये बनता है वो एक अलग क्वेश्चन है, वी विल डिस्कस लेटर ऑन, कि फिर हमारा जो सोप है वो सॉरी केक है वो कड़वा होना चाहिए. इट्स नॉट बिटर. क्यों ये मैं करवाऊंगी अगली बारी, अगले सॉल्ट में कराऊंगी. बेकिंग पाउडर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द बेकिंग सोडा एंड टार्ट्रिक एसिड. उसमें एसिड और बेस दोनों होते हैं जो कि क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, जिससे हमें कड़वा नहीं लगता. क्योंकि बेस की एक प्रॉपर्टी हमने करी थी, दैट इज बिटर इन टेस्ट, दैट इज सोपी टू टच, ठीक है, वॉशिंग सोडा है उसमें से बेकिंग, लाइक वो सोपी टू टच हो गया तो वो झाग बन जाएगा केक में. इट्स नॉट, बिकॉज उसमें क्या प्रेजेंट है दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन, ठीक है. अभी ये आपने कर लिया, इट इज यूज इन द एक्सटिंक्शन फायर ऑल्सो. वाई सो, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीजिंग. एंड देन थर्ड स्टेप, Na2CO3 प्लस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉटर, इट विल फॉर्म Na2CO3.10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉटर. प्रिपरेशन हो गई, सॉल्ट इज this dot is showing the water of crystallization. This is the three steps preparation. Washing soda ki preparation teen steps mein hai. Pehli maine bata diya, second sodium bicarbonate, third usme 10 molecule soda ash mein dal diye, then we will get the sodium carbonate decahydrate. Okay, यही एक रिएक्शन है जिसको लर्न करने में कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट व्हेन वी विल डू इन अ सिस्टमैटिक मैनर it will write. Okay, write down the uses, bas aaj yahi karwaungi, write down the uses, iske main uses likho, iski properties kya hoti hain, washing powder ya washing soda ki properties kya hai, crystalline nature, white in color, theek hai, ye iski agar cleansing property, ye jo wo cleaning the clothes wagera ho gaya, theek hai, aage likho iske aap main uses likho. It is used as the cleansing agent, wo aapko pata hai. दूसरा सबसे मेन यूज को स्टार लगा के लिखो, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वॉटर. रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वॉटर. रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वॉटर, दिस इज द मेन यूज. आपको वन मार्क में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, राइट द salt which is used to remove the permanent hardness of water. So aapne ye likhna hai. Ek iska use likho, it is used in the preparation of glass, soap and paper industry. Iska second wala likho, dono pe star, glass isko underline kar lo kyunki yahi ek different hai, soap and paper industry. वहां पे हमने क्या किया था, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, यहाँ पे क्या डिफरेंस आया, तो अगर ग्लास वर्ड आ गया तो किसकी प्रिपरेशन है. ओके ओके बेटा, ऑल ऑफ यू नोटेड, ये मेन यूजेस हैं, इन पे क्वेश्चंस बनते हैं. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक आई विल ट्राई टू डिस्कस द नंबर ऑफ द क्वेश्चंस विद ऑल ऑफ यू. ओके देन, ओके बेटा, Have a nice time, bachche.